ओम शांति। 30 मार्च एक सुंदर बात से बाबा के महावाक्यों की शुरुआत करते हैं। महान सौभाग्यशाली वे हैं जो याद में रहते हैं। आज बाबा ने बहुत अच्छा स्वचिंतन दिया और शुरुआत ही इस बात से कि तुम्हें बहुत नशा रहना चाहिए। हमें स्वयं भगवान पढ़ाते हैं, तुम बुलाते थे हे पतित पावन आओ, हमें पावन बनाओ। अब मैं आ गया हूँ, ज्ञान का सागर हूँ, तुम्हें सम्मुख बैठ कर पढ़ा रहा हूँ। तुम्हें बहुत खुशी बहुत नशा होना चाहिए, स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहे हैं और विश्व की बादशाही देते हैं। देखिए ये बहुत सुंदर चिंतन है। बाबा ने बार बार ये बात कही क्योंकि ब्रह्मा बाबा को ये नशा बहुत ज्यादा था। बाबा ने कहा जो अच्छे अच्छे गीत हैं, उन दिनों रिकॉर्ड होते थे, जो अच्छे अच्छे गीत हैं वो अपने पास रखना चाहिए और कभी भी मन उदास हो उनको बजाना चाहिए तो बहुत खुशी हो जाएगी। लौकिक पढ़ाई में भी अगर कोई लॉ कॉलेज में पढ़ता है तो उसे नशा रहता है, ये टीचर हमें पढ़ाते हैं, हम इसके बाद एडवोकेट बन जाएंगे, जज बन जाएंगे। तुम्हें भी बहुत नशा रहना चाहिए, स्वयं भगवान आकर हमें पढ़ा रहे हैं, हम विश्व के महाराजन बन जाएंगे। पर बाबा कह रहे लौकिक पढ़ाई में बच्चों को बहुत नशा रहता है, यहाँ बच्चों को नशा कम रहता है, तुम्हें बहुत नशा रहना चाहिए, उस अनुसार ही तुम्हारे अंदर दैवी गुण भी आ जाएं। तुम्हें बहुत मीठा भी बनना है, तुम्हारे मुख से किचड़ पट्टी की बातें नहीं निकलनी चाहिए, बाबा ये बहुत कहते हैं। तो बाबा कह रहे हैं सवेरे उठो, सवेरे उठकर तुम याद में रहने का अभ्यास करेंगे तो बहुत सारी पुरानी बातें भूलती जाएंगी, ज्ञान की सुंदर बातें तुम्हारे चिंतन में आती जाएंगी और पास भूलता जाएगा, तुम्हारी स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। इसलिए सवेरे उठो, भक्त भी सवेरे उठते हैं, भगवान को याद करते हैं, तुम्हें भी सवेरे उठकर योग का अभ्यास करना है और चलते फिरते भोजन बनाते भोजन खाते हुए घूमने जाते हुए तुम्हें योग युक्त रहना है, व्यर्थ की बातें नहीं करनी है। क्योंकि अगर तुम व्यर्थ की बातें करते हो, अगर तुम पास्ट की गलत बातों को याद करते हो तो नशा नहीं चढ़ सकता कि हमें विश्व की बात सही मिलती है। बाबा चिंतन दे रहे हैं, तुम्हें एकांत में चिंतन करना चाहिए, स्वर्ग में तो हम जाएंगे परंतु हमें उच्च पद पाना है। जिसका उच्च पद होता है, जो पढ़ाई बहुत अच्छी पढ़ते हैं, उन्हें इज्जत भी बहुत मिलती है। तुम्हें भी बहुत अच्छी पढ़ाई पढ़नी है, बहुत ज़्यादा योग करना है और उच्च पद पाना है। भगवान के पास आए, उसने हमें पढ़ाया, सहज राह दिखाई, फिर भी हमने छोटा पद पाया तो बाबा कह रहे सजाएं मिलेंगी, तब हाय हाय करेंगे। बाबा कह रहे सजा मैं ही दूंगा धर्मराज बनकर, परंतु यदि जज का बच्चा कोई गलती करे तो जज को अपने बच्चे को भी तो सजा देनी पड़ेगी, तब तुम पछताएंगे कि हमने योग नहीं किया, हम व्यर्थ की बातों में रह गए, हमने अपने विकर्म विनाश नहीं किए, अब हमें ये सजा मिलती है। तो बाबा हमें बार बार सावधान कर रहे हैं और कहते हैं बच्चे इस पढ़ाई पर तुम्हें बहुत ध्यान देना है, अलबेले नहीं होना है, मुरली में बहुत रस होना चाहिए। कई बच्चों को मुरली में रस नहीं है, फिर कई बच्चे तड़फते हैं बाबा हमें मुरली चाहिए, उन दिनों मुरली कम मिलती थी, आजकल तो सबको मिलती है, लेकिन हमें बहुत रस होना चाहिए। एक रहस्य जो बाबा हमेशा बताते हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा भक्ति की है वो आकर ज्ञान लेते हैं, जो मेरे भक्त रहे हैं
वो जल्दी आकर ज्ञान लेंगे, सन्यासी बाद में आएंगे, तुमने भी बहुत अच्छी भक्ति की है इसलिए मेरे पास आ गए हो, मैं तुम्हें भक्ति का फल देने आया हूँ, तो तुम्हें पढ़ाई पर भी बहुत बहुत ध्यान देना है और तुम्हारा याद का चार्ट 8 घंटे होना चाहिए। भले ही बाबा ने कहा अंत तक ये हो जाएगा, परंतु हम ये ना सोचे अंत में कर लेंगे, अंत में भी वही कर सकेंगे जिन्होंने लंबा समय योग युक्त रहने की प्रैक्टिस की होगी। तो बाबा ने कहा नींद भी करो, भोजन भी खाओ, अपने काम भी करो, लेकिन 8 घंटे याद का बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते रहो। इससे तुम्हारे विकर्म नष्ट होते रहेंगे, तुम्हारी बुद्धि स्थिर रहेगी। फिर बाबा इसी को सर्विस से जोड़ रहे हैं, जो बच्चे सेवाओं में तत्पर रहते हैं। दोनों बात कही बाबा ने, कई तो उनमें से बहुत अच्छा योग करते हैं क्योंकि सारा दिन बाबा का ज्ञान दूसरों को देते हैं, लेकिन कई सर्विस करते हुए योग नहीं कर पाते। कई बड़े हो जाते हैं तो बाबा शब्द यूज करते हैं, मगरूरी में रहते हैं, अहम में रहते हैं, लोग दीदी दीदी कहकर बुलाते हैं, देवी देवी कहकर बुलाते हैं, सोचते हैं बस मिल गया सब कुछ। बाबा कहते हैं ये अभिमान आ जाता है, इससे अच्छी स्थिति नहीं बनती है, लेकिन तुम्हें बहुत बहुत निरहंकारी बनना है। और बाबा ये भी कहते हैं कि जब बाबा देखते हैं कि कोई बच्चा दूसरों को अच्छा ज्ञान नहीं दे रहा है, तो मैं उसको मदद करके अच्छा ज्ञान दिला देता हूँ, क्योंकि मैं कल्याणकारी हूँ, मैं सबका कल्याण करने आया हूँ। इसलिए ज्ञान देने वालों से ज्ञान लेने वाले बहुत आगे निकल जाते हैं, बहुत तेज आगे बढ़ जाते हैं, पुरुषार्थ कर लेते हैं। तो बाबा आज नशा चढ़ा रहे हैं, कौन हमें पढ़ाता है, क्या हमें मिलने वाला है, इस नशे में रहो, भगवान सम्मुख बैठकर ज्ञान दे रहा है, इस चिंतन में रहो बहुत अच्छी तरह, व्यर्थ की बातों से स्वयं को मुक्त कर लो और किसी में ममत्व न रखो। आज ये शिक्षा की बहुत अच्छी बात है, तुम्हारी रग कहीं नहीं जानी चाहिए। माया तंग करती है, विघ्न डालती है, 10-10 साल पवित्र रहकर भी छोड़ देते हैं बाबा को, माया से हार खा लेते हैं, फिर पछताते हैं हमने सब कुछ गंवा दिया। बाबा ने कहा काम के साथ मोह भी उत्पन्न होता है, तो मोह की रग तुम्हारी बुद्धि को बहुत खींचेगी। इसलिए सच्चा प्यार एक से ही करना है, बाकी सबसे प्यार तो हो लेकिन मोह नहीं हो। तो आज बाबा मोह को छोड़ने का भी हमें बहुत अच्छा इशारा दे रहे हैं। वरदान भी बहुत सुंदर है, संसार में चिंताएं बढ़ती जाती हैं, प्रकृति की हलचले चिंता पैदा कर रही हैं, परिस्थितियां चिंताएं पैदा कर रही हैं। आज तो बहुत चिंताएं हो गई हैं संसार में, साधन भी कहीं कहीं चिंता का कारण बन रहे हैं, लोग अपने को बेसहारा अनुभव करते हैं, लेकिन तुम्हें सबको सहारे का अनुभव करना है, तुम सबके उद्धार करने वाले हो, ये बात ध्यान रखते हुए सबको चिंताओं से मुक्त करो। और स्लोगन याद दिला रहा है, समय अनमोल खजाना है, याद करें। इसलिए किसी भी बात में लंबा समय वेस्ट ना करो, तुरंत निर्णय करो और समय का सदुपयोग करो। तो आज सारा दिन हम इस नशे में रहेंगे, कौन हमें पढ़ाता है, क्या हमें मिलने वाला है, विश्व की बादशाही सामने देखेंगे, 5 स्वरूपों का अभ्यास करेंगे। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.